आपको दूसरा पैक दो। कसम पैदा करने वाले की काफी ऊंची चीज हो। कसम मानने वाले की तुम भी गहरी चीज हो। आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया उस बंदे की क्या तारीफ है। हाँ, तुम अपने बारे में कुछ सुनाना चाहते हो तो सुनाओ। यानी कि तुम मुझे नहीं जानते? हाँ, छोटी चीजों पर सेवक की नजर नहीं जाती। वैसे तुम्हारी जबान बहुत लंबी है। हाथ उससे भी ज्यादा लंबा। हमारे सामने किसी को इस तरह चहकने की हिम्मत नहीं पड़ती। हम तूफान हैं, जो भी हमारे सामने आता है तिनके की तरह उड़ जाता है। और हम वो पहाड़ हैं जिससे तूफान टकरा कर पीछे की तरफ भाग जाता है। क्या फर्नीचर बंदा परवर, आप प्यार मोहब्बत से और आराम से बातचीत करें तो बेहतर होगा। यहाँ सब शरीफ और इज्जतदार लोग आते हैं। क्या हम बेइज्जत हैं? नहीं नहीं कमर साहब, आप तो शरीफों के शरीफ हैं। हमारे बारे में क्या ख्याल है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप तो हमारे राजा हैं, सरकार हैं। ठीक तरह पहचान लिया ना मुझे? हाँ जी, मैं अपने बाप को भूल सकता हूँ लेकिन सरकार को नहीं। आपके आते ही मैंने बैरे को हुक्म दे दिया है कि हजूर जो कुछ खाएं पिए हाजिर किया जाए, मांगने पर भी बिल ना पेश किया जाए। हम खुश हुए और तुमसे भी मिलकर खुश हुए। इस खुशी की वजह? ये तो दिल जानता है, लेकिन पीने से पहले बताने का क्या फायदा। बोतल लाओ, आज हम दोनों मिलने की खुशी में जम कर पियेंगे। मैं जम के नहीं थम के पीने का आदि हूं। डबल मेरी तरफ से मान लेना। गुड नाइट। कसम पैदा करने वाले की ये तो खिसका जा रहा है। बोतल बच के जहांगीर दास और फर्नीचर भी। कहाँ जाना तुमने बताया नहीं। अब की बार मार खा गए तुम। कसम पैदा करने वाले की मेरे दिल की बात नहीं जान सके। खैर, मैं तो ठहरा अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप, पढ़ सकता नहीं। तुम ही पढ़ लो, इस पते पर जाना है। रंजीत सिंह, मैनेजर ऑनेस्टी ज्वेलरी शॉप। मैं समझा नहीं प्यारे भाई। दुलारे भाई, तुम्हें पकड़कर उनके हवाले करने के लिए मैंने 10,000 रुपए एडवांस लिए हैं। तुम वहां पहुंच गए तो 10 और मिल जाएंगे। देखा, हो गई ना रिश्तेदारी कायम। 20,000 कमा लिए तुमसे। अगर मैं ना जाऊं तो? लाश ले जाने पर भी उतनी ही कीमत मिलेगी। लेकिन पिस्तौल तो सर से हटा दो। बको मत, कुछ हरकत की तो भेजा उड़ा दूंगा। बेटा, कुछ दिन आकर शागिर्दी करो फिर गुंडागर्दी करना। ये तो पहला झटका है, फिर कभी मिले तो बाप दादा का नाम भूल जाओगे। अबे, मुझे नीचा दिखाने के लिए तूने मशीन का सहारा लिया, लेकिन मुझे अपने हाथों पर भरोसा है। कसम पैदा करने वाले की तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां तुझे पानी भी ना मिले। चुप है बेवकूफ कदा। हेलो सेठ, मैं इसको छलक की जगह जलवा दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं तूफान। मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ सेठ। कसम पैदा करने वाले की मुझे नीचा दिखाने वाला आज तक जिंदा नहीं रहा है। मैं इसका खून पी जाऊंगा। हिम्मत हो और अपनी माँ का दूध पिया हो तो यह हथकड़ी खोल कर देख कौन किसका खून पीता है। तूफान को ललकारता है। सेठ, खोल दे इसकी हथकड़ी। नहीं नहीं, फकीरा हथकड़ी में अच्छा लगता है। मजाक छोड़ो सेठ,
हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो शहद से मर जाए उसे जहर नहीं देते। प्यार से तो दरिंदे भी राम हो जाते हैं, और ये बेचारा तकदीर का मारा तो एक मामूली इंसान है, और फिर हमारा भाई है। जैसे हम लुटेरे वैसे ही लुटेरा। क्यों बेटा फकीर है? नहीं बेटा चिमनलाल, लुटेरा होते हुए भी तुझ में मुझ में फर्क है। अच्छा, क्या फर्क है? तू सरकार और जनता को लूटता है, और मैं तुझ जैसे लुटेरों को। उससे क्या फर्क पड़ता है? हर अकलमंद आदमी अपने से कम अकल वाले को लूटता है। मैं जनता और गवर्नमेंट दोनों से काबिल हूँ, इसलिए दोनों को बेवकूफ बनाता हूँ। तुम हमसे तेज निकले, हमको बेवकूफ बना गए। लेकिन जब हम संभले तो तुम हथकड़ी पहने हमारे सामने खड़े हो। ये तुम्हारी अकलमंदी नहीं, इसकी गद्दारी मुझे तुम्हारे सामने लाई है। दुश्मन के साथियों को तोड़कर मिला लेना भी अकलमंदी है। अब अगर मैं चाहूं तो तुम्हारा नामो निशान मिटा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अकलमंदों का कदरदान हूं। तुम्हारे पास दिमाग है, मेरे पास ताकत है, रुपया है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो सरकार और जनता का दिवाला निकाल सकते हैं। कहो क्या ख्याल है? मेरा जो शक था वो सही निकला। क्या शक था? यही कि तुम अपने बाप की असली औलाद नहीं हो। क्या लगता है? सच कहता हूं, एक हरामी ही मुल्क से गद्दारी कर सकता है। इसे टॉर्चर चैंबर में ले जाओ और तड़प तड़प कर मरने दो।